आएगी और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। महाराज कहते हैं कि बहू ऐसी आनी चाहिए घर में जो आपकी सेवा करे, क्योंकि अगर लड़की कहती है कि अगर माता पिता का भार बेटियों पर अगर रख दिया जाए, माता पिता की सेवा अगर बेटियों के हाथ में दे दी जाए तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं बचेगा। तो एक लड़का उस चीज पे जवाब देता है कि अगर बई बेटियां ससुराल जाकर के बेटी का रोल अदा करें तो दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, क्योंकि जब एक माँ को बेटा वृद्धाश्रम छोड़ के आता है ना, और जब अंतिम घड़ी होती है, माँ की मरने का टाइम आता है, तो वो माँ अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, बेटा इस कमरे में जहां मैं रही हूं अभी तक, अब तो मरने वाली हूं, लेकिन जिस कमरे में रही हूं उस कमरे में तो पंखा जरूर लगवा देना। तो वो बेटा जवाब देता है कि ये माँ अब पंखे की क्या जरूरत है, अब तो तू मर जाएगी, अब तो तेरे प्राण जाने वाले, तो पंखे का अब क्या करेगी। तो वो माँ बड़ा नीचा शब्द कहती है कि हे लाला, मैं नहीं चाहती कि कुछ दिन बाद, मैं नहीं चाहती कि कुछ दिन बाद तू भी यहाँ आए और तुझे यहाँ गर्मी लगे, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने तो जैसे जिंदगी काटी वैसे काट ली, और कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो तुझे यहाँ गर्मी न लगे, इसलिए अभी से पंखा लगवा देना। एक विद्वान कहते हैं भैया कि माँ बाप से पढ़कर जग में और कोई दूजा
मेरे मैया, आज राजा जनक ने विदा किया है अपनी बेटी को। राम जी शादी करके आए, रंग भूमि जम सी पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। क्योंकि दूसरी चौपाई आती है मोहे नार नार के रूपा और पन्न नार चरित अनुपा। एक औरत दूसरी औरत पर कभी मोहित नहीं हो सकती, लेकिन राम को देख के माताएं मोहित हो गई। पगधारी नाम है श्री राम का, जब से नारे अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगधारी। बंधुओं, राजा दशरथ ने एक दिन दर्पण में देखा तो उनका चेहरा जब दिखाई दिया तो कान के पास का बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा आ गया, इसलिए राजाओं के नियम हुआ करते थे जो कुल में बड़ा लड़का होता था उसे राजगद्दी दे दी जाती थी। तो राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा, इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या हुआ? तो कहा है महाराज, आपके राम का राज तिलक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना चाहिए मेरे जो दो वरदान है वो आप मुझे दे दो। राजा दशरथ बोले, अरे देवी दो नहीं चार मांग लो, चार नहीं छह मांग लो, जितने वरदान चाहिए मांग लो। बोले महाराज बस दो चाहिए। कहा बोले, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा दशरथ बोलियो, देवी मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। जो राम की सौगंध खाई